कान्हा का बाल स्वरूप वाकई में मनमोहक होता है, और जब छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल बनकर आते हैं तो बस दिल ही जीत ले जाते हैं। ऐसे में चलिए आपको लिए चलते हैं चारू असोपा के पास। अब इनके घर में एक नन्ही सी गुड़िया है, और गुड़िया जो है जब बाल गोपाल बनकर तैयार हुई तो हाय चारू की अंदर की यशोदा मैया भी जाग उठी। जन्माष्टमी के मौके पर अक्सर हम घर में ही कुछ ऐसा करने की जरूर सोचते हैं। आज हम आए हैं एक चारू असोपा और उनकी प्यारी सी नन्ही मुन्ही परी जियाना के पास। हाय एवरीवन, सो मैं हूँ चारू असोपा और ये है जियाना मेरी बेटी, और आज जन्माष्टमी के दिन आप सबका हमारे घर में बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मनाने वाले हैं जन्माष्टमी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में मनाने वाले हैं। मैं बनने वाली हूँ यशोदा और ये मेरी बेटी जो है वो कन्हैया बनने वाली है, और उसका और तो चलिए हम लोग जियाना चलो रेडी हो जाते जल्दी से, तो हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर आपको तैयार होने के बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। चारू और हम मिलकर कोशिश करेंगे इस जियाना को लड्डू गोपाल बनाने की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी सारी तैयारी करके पहले से तैयार रखा है। ये मैंने आउटफिट जो है अपने लिए तैयार किया है, क्योंकि मुझे यशोदा बनना है तो यशोदा जैसा लगना भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पीला आउटफिट पीला लहंगा जो है ये मैंने सिलेक्ट किया है, और जियाना के लिए भी येलो आउटफिट ही है। आई एम श्योर बहुत क्यूट लगने वाली है वो कन्हैया बन के। ये उसका मोरपंख का मुकुट है छोटा सा, ये उसकी बांसुरी है, और ये कमरबंद है, और ये कुछ थोड़ी बहुत मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट करके रखी है। अब जियाना वैसे ही इतनी प्यारी है, नटखट है, तो भला ऐसे में उसे कान्हा जी बनाना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्यों चारू? चारू को देखिए जिसने कितनी सारी तैयारियां कर रखी है। वैसे चारू हर माँ के अंदर ना एक यशोदा माँ होती है, अब चारू तो इस सच सवर कर एकदम यशोदा माँ बन गई है। अब सबसे बड़ा टास्क है इस जियाना को तैयार करना। बहुत आज यू नो जियाना ने भी बहुत मस्ती की, और मैंने भी बहुत मस्ती की जियाना के साथ, और ऑब्वियसली हम लोग दोनों बहुत अच्छे गेटअप में हैं, तो बड़ा मजा आया मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत मजा आया होगा। आपने देखा ऐसी भाग दौड़ मेरी पूरे दिन रहती है,
और इमेजिन इसके साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरी भाग्य और मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा वेट लॉस का यू नो क्या किस तरीके तरीके से मैंने वेट लॉस जर्नी मुझसे पूछते हैं, तो यही मेरा वेट लॉस का पूरा जो टिप्स है वो यही है। जब उसका मूड होगा तो वो तैयार होगी, और जब मूड नहीं होगा ना तो वो किसी को अपने पास भी नहीं आने देगी। ये नन्ही जियाना इतनी नटखट है ना कि बार बार एक कैमरे के पास आना है, और अगर आपने ना जियाना की बात नहीं सुनी तो वो बुरा भी मान जाएगी। सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मैं एक गाना है जो बहुत सुना करती थी, तो इसीलिए जियाना इतनी नटखट है मुझे लगता है, तो ये गाना मैं दो लाइन वैसे मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, बट स्टिल बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। थैंक यू। अब बच्चे ऐसे ही तो होते हैं, उनके मूड के हिसाब से हम बड़ों को अपने सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज का दिन ना जियाना का है, इसीलिए वो जैसा जैसा बोलेगी हम वैसा सब करेंगे। इस साल वैसे मैं अगर कुछ मांगने को आप कहें तो मैं उनसे एक ही विश मांगूंगी कि बस जियाना को वो हमेशा खुश रखें और उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी तो वो दोनों बच्चे हैं तो दोनों ही भगवान का रूप है और दोनों आपस में सेट कर लेंगे क्या है क्या करना है। से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।